ये बात है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बस अभी जाना था फेंटियाँ लेने, क्योंकि अब ब्लेंडर डलेगा ना दूसरा ऊपर से। तो हुआ क्या कि मैं लेट उठाऊँ, क्योंकि रात 2-3 बजे तक मैं एडिटिंग करता रह गया, तो उठ नहीं पाया ना। तो बाकी ये है कि अभी इसके बाद जाएंगे, ये ना 1 घंटे का काम रह गया मिस्त्री साहब का, तो उसके बाद चलेंगे। आजा भाई, आजा भाई। और यहाँ पे उर्दू आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, और कैसा चल रहा काम? गुड मॉर्निंग जी। आप कहाँ लुके पड़े हो? अरे आहो, आगी देख ली आपको। आपका वफादार दोस्त बाहर है। अच्छा, उसके भी घूम रहे हैं। अच्छा, अबे अभी रुक के जाना फंटिया लेने। अच्छा, अभी 1 घंटा लग जाएगा। चलो ठीक है। ये ना, ये फंटिया लेके आए थे उस दिन, आपने पुराने ब्लॉग में देखा था। अब क्या है कि नीचे वाला लेंटर तो डल गया, अब ऊपर वाला लेंटर डलेगा। वो देखता देख रहा है इस टाइम। अरे सतवन जी, कहाँ चढ़े हुए आप? हैं आसमान में? क्या बात है भाई, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे हो। अरे ब्रुजो, दोस्ती करते हुए मिस्त्रियों लोगों के साथ। रोज को तो मस्त अंदर अपना नहा धो के बैठा हुआ है। मम्मी कह रही है, मैं जैसे रोज को कह रहा हूँ कि रोज को नहा धो के बैठा हुआ है, मम्मी कह रही है कि ब्रुजो को महीने ही हो गए हैं, तूने नहलाया नहीं। तो मम्मी ये गलत बोल रही है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मैंने नए साल नहीं, 1 महीने हुआ है। हाँ, क्योंकि सर्दियों में ठीक नहीं रहता ना नहलाना इसको बड़ी जल्दी। अरे अंदर बाहर कौन हो रहा अभी? अरे मम्मी, नया साल नहीं, उससे पहले उसके बाद भी नहलाया होगा मैंने। अच्छा जी, बाहर मिस्त्री साहब आए होंगे, गेट पे खड़काया होगा तो ये लगा पड़ा अपने जोर दिखाने। हाँ जी, बाहर कौन आया? यहाँ पे रोज को जनाब। हाँ जनाब, इसको देखिए रोज को। हाँ जी, चलो जी, अभी है लंच टाइम चल रहा है। इधर लंच टाइम यहाँ पे चल रहा है मिट्टी का डिस्कशन, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, नहीं वो वाली सॉरी, तो उसको कह रहे हैं कि कहाँ पे फेंकनी है। इसको भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फेंकनी है, क्योंकि अभी तो लगी हैं सब्जियाँ। तो बस यही भी सोच विचार चल रहा है। अभी ये हुआ ना, हमने सामान लेने जाना फंटियाँ, तो मैंने मम्मी को कहा आपने भी चलना साथ में? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा क्या बात, आपका मन हो घूमने का, साथ ही आया ना। हाँ जी, क्यों क्या हो गया? मैं कॉफ़ी ले आऊँ। अच्छा, चलो ठीक है, अभी खाना तो खा लो पहले, आप खा लो। चलो जी मिस्त्री जी, ये लीजिए डायरी और ये लीजिए पेन। लिखो आप। मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ा लिखा कम हूँ। अरे पढ़े लिखे से हद होगी यार, आपको इतनी नॉलेज है ना, पढ़े लिखे से बात नहीं है, बंदा दिल से अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। अभी डायरी दी है, क्योंकि इन्होंने लिखना ना, अभी सामान जाना है फंटी वगैरह लेने, तो वो लेके आते हैं। और मम्मी की जो बीपी की दवाई ख़त्म होगी वो भी ले आएंगे, तो जल्दी से बस ये मिस्त्री फटाफट लिख लें और फिर निकलते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप गाना लिख रहे हो। अरे यार, आपने कॉपी को दे दी? बताओ यार, कॉपी ले, हट अभी कट। अरे इसको आवाज मारो, ये तो मेरे हाथ पकड़ लेगा। अरे वो काटेगा वगैरह मेरी चीज को। यहाँ पे अंदर मैंने कहा अभी आता हूँ मिस्त्री साहब, यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे डायरी रख दी, यहाँ पे रखा था, तो ऊपर से उठा लिया उसने, तो आपने रखा क्यों वहाँ पे? अरे यार कमाल होगी मिस्त्री साहब। नंबर आपको मैसेज किया था मैंने, शटान बच्चा हो गया शटान। चलो जी, जीरा पाउडर लेके चलते हैं। हाँ जी रोज को लग रहा मुझे तेरा लोहरिया जीरा पिएगा रोज को। हाँ जी मिस्त्री साहब, कैसे चल रहा काम? ये पिए आप लोहरिया जीरा, ये तो पिए। वो गेट करना, गेट टक करना, गेट। हाँ जी जसवंत, सतवन जी, ये लीजिए, ये पिए देखिए आप जीरा। आप भी याद रखोगे कि क्या पिला दिया। नई बात नहीं, पी के देखो ऐसा मतलब सिस्टम हो जाएगा ना अंदर शरीर में। अरे ये क्या था भैया, कि मज़ेदार कहोगे भैया लाहौरी जीरा पिलाओ, कल सुबह ही कहोगे मुझे। अरे मिस्त्री साहब,
क्या हो गया, चिंता में लग रहे हो? मिस्त्री साहब गिन रहे हैं फंटियां। कैलकुलेशन फंटे गिन रहे हो? क्या मतलब, कहने का क्या मतलब, चोरियां हो गई हैं? अच्छा अच्छा, तो एस्टिमेट ये कितनी है? 200 है ना? 200 लगा। अच्छा तो कितनी चाहिए? मिट्टी तो सड़क की तरफ से डालना। वाह मम्मी की आवाज आई। सड़क की तरफ से मिट्टी डालना। अच्छा इधर से। और बाकी अब निकलते हैं। हेलो जी, निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। आज फंटियां लेके आनी है। मिस्त्री साहब कह रहे हैं अरे यार, अरे यार। मिस्त्री साहब क्या कहना चाहोगे? हेलो जी, क्या कहना चाहोगे मिस्त्री साहब? कहना चाहेंगे साहब कुछ तो कह दीजिए। अरे कुछ भी बोल दीजिए। अरे हेलो हेलो हेलो, टीम जाती है स्कूल से। ये हमारे वो हैं गुरशीश हो गए सारे जाने ना, हमारे गांव की है सारे, बहुत अच्छे नाइस हैं सब बच्चे। यार बच्चे ना सारे नाइस होते हैं और इंसान भी अच्छे होते हैं, बट वो क्या है ना, जैसे सबकी सोचने का तरीका अलग है। पता है इंसान कोई मतलब बुरा नहीं होता अगर वैसे देखे तो। एक्चुअल में किसी को कोई समस्या होती है, वो एक्चुअल में तरीका अगर पॉजिटिव इंसान ले लेना हर चीज़ को अच्छा, तो फिर कुछ नहीं गलत जाता सिस्टम, फिर सब बढ़िया जाता है। और यहाँ पे स्कूल की बसेस आती हुई, वाह। किसी टाइम इसी रोड से ना मिस्त्री साहब हम स्कूल जाते होते थे। मैं पैदल जाता था 1.5-2 किलोमीटर, मतलब ये हाँ देख लो टाइम टाइम की बात है। ये हमारा स्कूल होता था मिस्त्री साहब, मनाट। पूरी ज़िंदगी इसी स्कूल में निकाली है, हाँ LKG से लेके 12 तक मेरा बचपन का सफ़र इस स्कूल में रहा है पूरा। चलो जी यहाँ पे आ गए, अब लेते हैं फंटियाँ। अरे क्या हाल है जाल भाई, कैसे हो रे? कैसे भाई? बढ़िया भैया। बढ़िया, पापा कहाँ हैं? पापा तो है नहीं, क्या लोग बना रहे हो क्या भैया? बना रहे भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान अली। फरमान अली, आपके पापा का बड़ा अच्छा स्वभाव है, नेचर बड़ा अच्छा। कोई बात नहीं। अरे वो कितनी चाहिए? 4 गाड़ियां जाएंगी, 100 बल्ली जाएंगी, 100 फंटी जाएंगी। 100 बल्ली तो मत को यार, कहां लगाओगे बल्ली? और क्लिप हो जाती है? हां हो जाता है। 11 फुट के 8 बल्ली। और जी नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया हो? थोड़ा समय दो, संभाल लेना पड़ेगा आपको मुझे। बिल्कुल, उसमें लिखा भी है ये भाई ना अभी कैमरा बनता था, ये कह रहा बड़ी वीआईपी लोग, बड़ी टेंशन से आए हो, क्यों? ऐसा क्यों आपने स्कूटर? बड़ा पुराना जमाने वाला ये भैया, ये 2000 मतलब 2 से है हमारे पास, तो बापूजी चलाते होंगे आपके? ना ना यार है ही नहीं, स्कूटी नहीं थी ना। अच्छा अच्छा, तो घर पे एक ही, ये हमारे गरीबों के पास यही था। बाकी ये है कि इसकी मतलब लेने वाले बहुत है। नंबर मिला रहा तो स्विच ऑफ क्यों जा रहा है ये? इनके पास दूसरा नंबर होगा ना, पर्सनल नंबर मिस्त्री साहब, समझ रहे हो भैया? सबसे अरे कह रहा हूँ कहाँ पे हो, थोड़ा सामान जाएगा केशवगढ़ में। और सुनाइए भाई, बढ़िया। अरे नमस्ते अंकल जी, इतना समय क्यों इंतजार करवाओगे? दिहाड़ी बड़ी महंगी चल रही है भैया, पैसा वैसे ही नहीं हमारे पास। आओ जी है, 100 फंटी चाहिए। 100 फंटी चाहिए अंकल जी। काटपाल वाली गली में जो दिया था सामान राजपाल को, पहले हाँ अभी आई है, 300 फंटी आ गई वहाँ से। जे हुई बात अंकल जी, जे बात करी आपको। चार गाटर जाएंगी, 100 फंटी हैं, 11 बल्ली 8 फुटी हैं, 3 बल्ली तुम्हारी 12 फुट और 9 फुट की बल्ली। कहाँ जाएगी ये? ये केशवगढ़ में जाएगी, केशवगढ़ खास गांव में। हाँ जी, कितने पैसे? अच्छा गुरुद्वारे के पास। चलो पैसे, रुपया 250 रुपये ले लीजिए।
अरे ईमानदारी से बता रहा हूँ 250 रुपए दिए मैंने, 1 रुपए वैसे 200 देने थे, इन्होंने कहा 200 देने, बट मैंने कम नहीं करे, मुझे दया आ गई। अब माल देखो कितना, ये माल देखो तुम्हारा कितना माल है, 12 बल्ली बता रहे हैं और 4 गार्डर। चल 200 ना, हां प्यार मोहब्बत वाली। अरे कोई ऐसे फिर बुलाऊंगा, आ रहे हो ऐसी बात, दूसरी बार फिर बुलाऊंगा। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, डिस्काउंट आ रहे हैं। कितने पैसे कम गए? वो आ जाएगा, अपना आदमी है वो। अच्छा अच्छा चलो आगे, कोई बात नहीं अंकल जी। क्या नाम हो आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद जी कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम मौका देंगे हम। नंबर ले लो फिर मेरा। हाँ नंबर ले लेंगे, कार्ड अरे नंबर, चलो मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। कोई कर लो, नंबर सेव कर लो। कुछ काम चल रहे हैं अपनी क्या? हाँ जी काम चल रहा है, यही तो कर रहे हैं, ये मिस्त्री तो है। अच्छा आपको क्या लग रहे हैं, खिलाड़ी? ये अंकल ये कह रहे हैं भैया बड़े मस्त लग रहे हो भैया। सही है, बढ़िया बढ़िया ही है यार, बढ़िया वाले हो यहाँ पे जहाँ पे जाने हैं पंडिया। अच्छा केसू वाली, आप बताओ सीमेंट के लिए। मैं तो बहुत खाद लेता हूँ। अच्छा आप मेरे पर रहते हो? मेरे पर तो 15 रुपये थे, लेकिन तीन ही इसमें दिखाई दे रहा है। आ गया फोन, आ गया 12 फीट के 2 हैं। मेरे मालिक लिंटर के ऊपर से लगाना है। अरे यार समझा करो मेरे भाई, 10 फीट लगा। अरे 2 फीट बढ़ नहीं जा रहा, ये मजाक ले रहा भाई यार, बिल्कुल मजाक ले रहा। फिर आप एक काम करो, 8.5 फीट 8.5 फीट बात कैसे होने का। अरे जी देखिए कौन आया है, इनका नाम क्या था? इमरान अली। इमरान अली जी आ चुके हैं यहाँ पे, वेलकम बैक। बढ़िया भाई बढ़िया। आज बताओ वो भैया मोहम्मद भाई भी खड़े हैं इधर, आप भी आ गए, इन्होंने भी बुला लिया। ये जो अपने भाई है ना गोपाल जी, इन्होंने पहले फोन कर दिया होगा ये टुकटुक वाले को, तो ये आ चुके हैं। ये देखिए मेहनत कितनी हो रही है यहाँ पे। अंकल जी बना रहे हैं सीढ़ियाँ। अंकल जी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते? यहाँ पे हो गए मुझे 2 साल। 2 साल चलो भैया। अंकल जी देख लो आप उम्र के हिसाब से आज भी काम कर रहे हो ना, देख लो यार सैल्यूट है आपको। नहीं सही में ये देखो, ये बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमारे दादाजी वगैरह होते हैं ना, चलो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे 2012 में, बट जैसे कोई ओल्ड एज को देखे ना बुजुर्ग बंदा, तो अपना फील होता है एक जैसे, है ना। ये देखो ये भी काम करते हैं, हमारे दादाजी भी काम करते होते खेतों में, है ना, जग तो बहुत अच्छा लगता है। और आप भी ठीक है वो? हाँ हाँ जी सब बढ़िया, सब बढ़िया अंकल जी, सब बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत खुश रहो। हाँ जी खुशी है अंकल जी, बस दुआएं हैं। अंकल जी एक बात बड़ी अच्छी लगी, अंकल जी कह रहे हैं कि जैसे खाली रहो ना तो मन भी नहीं लगता घर पे, तो ये भी बात अच्छा है कि मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को ना, काम भी कर रहे हो और आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, शरीर भी ख़राब नहीं हो रहा, ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बढ़िया नहीं है किसी की कि मतलब काम करो, मगर हाँ जी हाँ जी मर्जी से करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल शरीर भी अपना सही रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं पैसे मैं कम दे दूंगा, अब चलिए मुझे लेके चलिए, अब 3-4 जाने आ गए हैं, हैं अब सब राजी, पैसे भी कम करा लो, पहले पहले माने नहीं, अब है देख रहे हो आप अंकल जी, देख रहे हो इनकी। चलो बढ़िया, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम मौका देंगे आपको, ठीक है जी। इनकी सही का बुला लो वीडियो इनकी। नहीं नहीं अंकल जी बड़े अच्छे, पहले भी मिला था ना उस दिन, सीढ़ी पता करने आया था ना। अच्छा तो यहाँ से ही रहता पी सब लेके गया था, तो मुलाकात हो गई थी इनसे। अरे क्या हो गया मिस्त्री साहब? कुछ नहीं भाई, क्या नाम हुआ आपका? रमेश। रमेश जी आए आज, गोपाल जी ने बुलाया रमेश जी को। भाई बड़े स्टाइल से बोला, भयंकर गिर ना जा भैया। आराम से कोई बात नहीं, 3 दिन जाने लगे हुए हैं शेर। भयंकर भैया भयंकर भयंकर बड़े करते हो आप। चलो जी यहाँ पे फिंटियाँ रखी जा रही हैं। ये ना अभी भाई ने चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने कहा अनसब्सक्राइब मत कर देना, तो मैंने कहा कई लोग कर देते हैं, तो भाई कह रहा है मैं हम कई लोगों में से नहीं है, हम नहीं करते। भाई का नेचर भी बढ़िया, इनके पिताजी का नेचर भी बढ़िया, इनका भी नेचर बढ़िया। आप क्या देख रहे हो? देखना भी बुरा है क्या? अरे बड़े छुपे छुपे देख रहे हो लड़के की तरह ऐसे ऐसे करके। चलो जी आ गया सारा सामान, इनको भेज देंगे, और गदपुर से पहले मम्मी की दवाई तो वो लेके आने हैं, तो वो ले लें, दो काम है वो करके फिर सीधा घर। पितरी साहब कह रहे हैं बांस छोटा रह गया, 14 इंच का 16 इंच का चाहिए। और ये भाईजान चीटिंग ना करो यार। अरे चीटिंग नहीं करेंगे यार, अरे यार दुकान आपकी है, दुकान तो हमारी है, तभी तो आए हैं। अरे उसके बराबर तो लगा लो,
बंद करो मेरे भाई, कितना 14.5 इंच मेरे भाई। फिर कम कर दिया भाई ने यार, भाई लंबा वाला दो बड़ा वाला। लंबे तो बड़े लंबे तो बड़े हमें चाहिए 16 इंच का। 16 इंच का नहीं, ये बात है, काम तो आप नहीं करना। मेरा सामान गिनती मारो एक बार आप। 16 फीट तो गाटर हो गए, 15 फीट एक गाटर हो गया, 12 फीट एक गाटर हो गया, 12 फीट बल्ली 4 हो गई, 11 फीट बल्ली 1 हो गई, 8 फीट बल्ली 11 हो गई, फंटी हो गई 15 फीट 5 हो गया, 100 फंटी हो गए। मालिक हमें तो 4 गाटर का मतलब है, हमारे यहाँ फालतू कहीं से आ रहे हैं आप? मालिक मालिक बड़ा करते हैं, मुझे सही वर्ड नहीं लगता ये ना। अच्छा। कोई बात होगी, मालिक ही इधर आओ, मालिक है इधर, मालिक अंदर। अच्छा, मालिक है। नहीं मालिक होता है मालिक, मालिक मतलब आप फर्क निकाल दे। नहीं मैं हम एक है, एक है हम, एक इस टाइम कोई मालिक नहीं है, हम एक है। मालिक होते हैं बड़े घरों में होते हैं मालिक, हम एक है। मालिक नहीं कहना आप, यहाँ तो मेरा नाम लिया करो। ठीक है मुझे क्या बोलोगे आज से? सर नहीं, सर तीन ऑप्शन है, या तो सुखमन कहो या तो फिर कैलगरी बॉस मेरा यूट्यूब चैनल। नहीं नहीं सुखमन ही कहूंगा, तुम मेरे से बहुत छोटे हो ना। ओके भाई मेरे, बोल गया ना इरफान जी, ऐसे कैसे ऐसे। ठीक है अंकल जी, नमस्ते, बाय बाय। हाँ जी बैठो। अरे नहीं नहीं बस ठीक है अंकल जी, चाय ले गया फरमान चाय। अरे नहीं नहीं चाय नहीं चाहिए। नहीं चाय फिर। अरे नहीं नहीं, अरे फिर पक्का। अरे नहीं चाय, ना 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 आप ध्यान रखो, आराम से मिलते मुलाकात करते रहेंगे, मैं तो लोकल गई हूँ। अरे यार कोई भैया कोई बात। अरे नहीं नहीं फिर पक्का नेक्स्ट टाइम चाय। ठीक है आप करो करो। हाँ कोई ठीक है अंकल जी। ओके भैया कह रहे चश्मा मैं भी पहन लूँ, बड़ी धूल उड़ रही है, कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे, गर्मियों के दिन आ गए हैं। चलो जी मिस्त्री साहब लगा लिए काला चश्मा लगाया आपने, क्या बात है जी, लग रहे हो सुंदर स्मार्ट। आप देखिए भैया लग रहे हैं स्मार्ट, काला चश्मा लगा के गदापुर में मार्केट के अंदर। नमस्ते नमस्ते दी। और यहाँ पे सुरेंद्र भाई का मैसेज आया, ग्रेट, कीप गोइंग लाइक दिस, थैंक यू भाई थैंक यू। और यहाँ पे देखिए सुंदर लग रहा है, सुंदर। और यहाँ पे अंकल जी पूरे फिट एंड फाइन हो गए हैं, देख रहे हैं मिस्त्री साहब। कपाल जी नवनीत लगा लो, ही बोले पंगे लेते हैं, ये बेहद है, कुछ है बुलाया नहीं उसने, ये दो पैसे थोड़ी होते हैं शादी में। दिन भर दे दो उसकी, ये मुझे फोन बात जनवरी को बात ही कह रहा, मैं बुलाऊंगा कार्ड देने, मैंने कहा कार्ड देने आएगा तभी आऊंगा, वो आए नहीं कार्ड देने, मैं गया ही नहीं कार्ड दूंगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता अंकल जी, आपका भतीजा कौन है, ये आप भांजा है तो आप ऐसे करोगे, उसका पक्ष ले रहे हो आप। अंकल जी कह रहे हैं कि मतलब कुछ खाता पीता नहीं, इतना पतला है। अब ये मेरा भाई है, ये पतला भाई, तुझे कोई दिक्कत है? मोटा होएगा वो फिर पतला होगा, वो सही है या अभी सही है? अभी सही है। ये देखो ये जो होते हैं ना हमारे जैसे, उनको पता होता है ये अंकल जी के मोटे हो जाएंगे, फिर बाद में जब उम्र हो जाएगी फिर कहेंगे हमें वो हो रहा है ये हो रहा है, ये बड़ी समस्या होती है हमारी। अंकल जी आप क्या समझोगे, कुछ कहना चाहोगे आप? अंकल जी कह रहे हम नहीं कहूँगा मैं कुछ, बताओ अंकल जी कह रहे स्कूटी दे दो। ये स्कूटी पता है अगर मुझे इसके इतने सारे पैसे मिल जाए ना, तभी भी ये स्कूटी दे दूंगा। 20 साल हो गए, 2002 के है ये। हाँ जी हाँ जी भैया क्या हाल चाल है भैया? आपको एक सूट मिला होगा ड्राइविंग के लिए, आंटी जी आई थी 2 दिन पहले, मम्मी। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ भैया क्या नाम हुआ आपका है? अरे आवाज तो आ रही है भैया, भरत। तो ये अच्छा मैं ये दुकान का ना थोड़ा सा मैं प्रमोशन कर दूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आता हूँ। ये दुकान है ये भरत नंबर ही है, और भैया यहाँ पे आप ये कुमाऊँ स्वीट के जस्ट गली के साथ ये लेफ्ट में, और बहुत बढ़िया आदमी है भैया। भैया बस दाग दूब हटा दिए ना, क्योंकि अगर दाग ना हटे तो वो मेरी क्लास लगाएंगे। और यहाँ पे मिस्त्री साहब सोचो में देखते हुए चलो ठीक है भैया, हेलो मिलाओ। हेलो अरे पैसे भूल गया यार, मैं तो दे के निकलने लगा था। गोपाल जी कह रहे हैं पर्स तो बढ़िया, चलो 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 ठीक है भाई, ओके ओके भाई जान, ओके गले मिलो गले, फिर मिलेंगे हम। चलो मोबाइल रखो आप। अरे गले गलत हो गया भैया, गलत गले मिलो गले, खुशी खुशी गले मिलो। मिस्त्री साहब कह रहे हैं मैं मार्ट के अंदर नहीं आऊँगा, तो मैं कह रहा हूँ मार्ट के अंदर आओ यार जल्दी। हाँ तो मैं घुमाऊँगा यार, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ आप चलोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप चलोगे क्यों नहीं चलोगे यार। ये देखिए भाई जान, अरे क्या लुकिंग स्मार्ट भाई, और कैसे भाई इधर क्या भाई आ जाओ आ जाओ, अरे आओ घुमाऊँ यार तुम इधर आओ, पहले कुछ पीना है
निकाल लो उधर पी लो कुछ। अरे पर क्यों साइड खड़े हो या साइड साइड बड़े हो क्या बात? तुम्हें फैंटा मिलाता उनको, तो फैंटा निकाल दे भाई फटाफट जल्दी से जल्दी से। मिस्त्री साहब को बहुत जल्दी है, उनको फोन करो पहले। फोन करो क्या आ रहे हैं बस। अरे छोटी वाली मेरे भाई, छोटी तो है, हम बच्चे थोड़ी हैं भाई, बोबली पीते हैं हम। ये पियो पियो, ठंडा करो। कैसे हो भाई जान? कैसे हो सिस्टर जी? बढ़िया हो? अरे क्या बात है, तुम्हारा काला चश्मा नजर ना लग जाए भैया। और सुनाइए गाने यार, कोई बढ़िया था? अरे अभी गाना सुन यार, ये कैमरा जब ऑन किया क्या, अभी इन्होंने बंद कर दिया गाना सुनाना। अरे सुनाओ। जिंदगी इसी को कहती है, मेरा फेवरेट गाना है जिंदगी सफर। सुनाइए सुनाइए, यहाँ कल क्या हो, किसने जाना भाभी बाप। अपने भाई फेंटियाँ लेके आ गए हैं। और जी मिल गया घर? जसवंत सतवंत जी, जसवंत 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 जी, दिक्कत तो नहीं आई इनको कोई? अब रास्ते में तो हमने देखा नहीं कि दिक्कत आई है नहीं आई। ये बात तो सही है, यहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ घर में तो नहीं दिक्कत आई इनको? घर में तो पक्का हाईवे रोड है, इसमें क्या ये बात है, ये बात। ये लो भैया भौरिया जीरा पियो पहले आप। जसवंत जी मिस्त्री जी को फेंटा पी के आए हैं, आप पियो ये फेंटा। पीना फेंटा या ये पी गए थे? पी के देखो एक बार, मेरे हिसाब से तो ये पानी वाला सिस्टम होता है, सही है। जीरा है ना? जीरा है, मजा कर देता, हाजमा कर देता, हाजमा जीरा होता है। ये जो ये पी के आए हैं फेंटा, कह रहे हैं फेंटा पी के मैं हो गया हूँ शेंटा। धन्यवाद मिस्त्री जी, धन्यवाद, मेहरबानी 10 रुपए का पेन वापस करने के लिए। अरे भैया वो मेरे काम का नहीं है ना। अरे आपका काम का क्यों नहीं है, आप इससे हिसाब वगैरह लिख सकते हो, गाने लिख सकते हो। जमेजी की ये बात बड़ी अच्छी लगती है, ये पानी साथ में लेके जाते हैं, जहाँ इनको प्यास लग जाए ठंडा पानी कुल कुल। ए भाई भैया इन एक्चुअली इनका काम है ना, पानी का काम है, वाटर जो सप्लाई करते हैं ना। फरमान का नंबर कौन सा है? ये दो वाटर सप्लाई थोड़ी, वो कैंटर क्या बोलते हैं, हाँ ये कैंपर जैसे देते हैं दुकानों में ना, क्या कहते हो? अच्छा रुद्रपुर से आते हो आप? रुद्रपुर से आए हो? फिर रुद्रपुर जाते हैं? साथ रहते हैं। नहीं नहीं साथ तो रहते हैं, सुबह जाते हैं, एक बजे तक चले आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जी अब पैसे देने की बारी है। और कितना पैसे, कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट डिस्काउंट भाई, गरीब आदमी है भाई। गरीब तो हम भी है, कौन सा देखो गरीब गरीब भाई हो गए। अब कितने डिस्काउंट करोगे कुछ? डिस्काउंट कितना करेगा मिस्त्री साहब उधर वैसे? ये बात है यार, मेहनत है मेहनत। चलो मजाक कर रहे हैं, नो डिस्काउंट, जितने हैं उतने देने हैं, नो डिस्काउंट। क्या हो गया जसवंत जी, परेशान लग रहे हो क्या बात? अरे गेट खोल ले। अच्छा अच्छा ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हो आप, ड्यूटी पूरी निभाते हैं जसवंत जी, ये तो बात बहुत बढ़िया लगती है आपकी, मुझे पता है बड़े कूल आदमी हो आप। चलो जी अब करते हैं व्लॉग की समाप्ति, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। बाकी इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहोगे आज? कुछ नहीं, सही है सब काम, अच्छा हो गया, क्या हो गया? तो बढ़िया, कुछ कहना चाहोगे? देख लो आप समाप्ति कर रहे हैं, आज का दिन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, हमारी बुगाटी बुगाटी में बैठ के कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और एक बार कर दो फिर हल्ला, बाय बाय कर दो, बाय बाय सब्सक्राइब लाइक करता है। ये बात है, ये बात भैया। चलो ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं कल, और आज सारे ब्लॉग एडिट हो जाएंगे, और कल सुबह से डेली, मतलब कल नहीं परसों से, मतलब कल तो आज सारे 5-6 जितने ब्लॉग बचे हुए हैं 12-13 तक सब डाल दूंगा भैया। एक मिनट तो सब डाल के फिर उसके बाद डेली जो टाइमिंग रखी जाएगी है मिस्त्री साहब, 8 बजे सही है ना सुबह? जैसे आज हमने शूट आज बनाया तो कल 8 बजे टाइमिंग सही है? हाँ मिस्त्री साहब कह रहे हैं ओके, तो 8 बजे तो परसों से आ जाएगा, और आज जितने ब्लॉग मैं डाल दूंगा। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, बाय बाय, लव यू, सी यू। अब इसका बैट खराब हो गया, अब बोरी पे आ गया, जैसे उसने मम्मी लगी थी ना मजाक करने, ये बोरियाँ चाहिए इसको, देखो बोरी की हालत क्या कर रहा है, बोरी की हालत क्या कर रहा है वो देखो। और मम्मी यहाँ पे डंडा लेके पिटाई करती है ब्रुजो की। मम्मी ने डांटा है, अब वहाँ पे बोरी लेके चले गया। गुड बाय, गुड बाय।